हैगा इस मीडियव इंजन यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और हम ये ये जो हमारी गेम बनाने की सीरीज चल रही है उसका फोर्थ पार्ट है पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम बुलेट्स को बनाते हैं और बुलेट्स को शूट कराते हैं इन एनी डायरेक्शन ऑन विच वी क्लिक राइट जहां भी हम माउस को क्लिक करेंगे बुलेट्स डायरेक्शन में कैसे शूट करेंगे ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में देखी थी इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एनिमीज़ को स्पॉन करेंगे यानी क्रिएट करेंगे रैंडम लोकेशन पर जैसे बात है बॉर्डर्स पे और उसे प्लेयर्स की तरफ भेजेंगे राइट जो हमारा प्लेयर है इसकी तरफ भेजेंगे और या काफ़ी कूल cool है ये चीज़ बनाने में और मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा मजा आएगा और आई होप तुम इंजॉय करोगे तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक क्लास बनाना पड़ेगा क्योंकि एनिमीज़ भी एक से ज़्यादा होंगे जैसे बुलेट्स एक से ज़्यादा हैं तो जैसे सी बात है हम एक सिंगुलर क्लास बनाएंगे जो कि सभी एनिमीज़ की प्रॉपर्टीज़ को करेक्टराइज़ करेगा राइट तो मैं जो हमारा एनिमीज़ है ऑलमोस्ट बिल्कुल डिटो जो भी बुलेट की प्रॉपर्टीज है वही कंज्यूम करता है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे एक बना देता हूँ नया एक क्लास इसको मैं नाम दे देता हूँ एनिमी ठीक है और जैसे सी बात है एनिमीज़ को हम स्टोर करेंगे तो मैं यहाँ पर एक और एरे बना देता हूँ एनिमीज़ ठीक है जैसे हम बुलेट्स को अलग अलग बुलेट्स की जो लोकेशन है उनको अपडेट कर रहे हैं वैसे एनिमीज़ के लिए भी करना पड़ेगा तो इसलिए हमने एनिमीज़ के लिए भी यहाँ पे एक अलग से बना दिया है अब एनिमीज़ के साथ सीन ये है कि एनिमीज़ को हम कैसे जनरेट करेंगे हम चाहते हैं कि हर सेकेंड अपने आप अप जनरेट होता रहे एनिमीज़ तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि एक सेंट इंटरवल करके एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं हर एक गिवन अमाउंट ऑफ सेकेंड में फंक्शन को ट्रिगर करा सकते हैं या कुछ भी परफॉर्म करा सकते हैं राइट right? तो उसी का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ फंक्शन जिसको मैं नाम दे देता हूँ स्पॉन स्पॉन यानी क्रिएट होता है एनिमी ठीक है स्पॉन एनिमीज़ अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं स्पॉन एनिमीज़ ठीक है क्या पड़ता है ठीक है तो स्पॉन एनिमीज़ हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया इसके अंदर हम सेट इंटरवल को कॉल कर लेते हैं ठीक है ये रहा हमारा सेट इंटरवल कॉल हो गया ठीक है यहाँ पर हमें सेकंड्स देना है एक सेकंड अगर तुम्हें यहाँ पे देना है तो यहाँ पे हज़ार मिनी सेकंड लिखना पड़ता है ठीक है हज़ार का मतलब होता है एक सेकंड तो हर एक सेकंड में मैं चाहता हूँ अंदर जो भी मैं लिखूँ वो रन हो ठीक है तो चलो देख लेते हैं कैसे कराएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम बुलेट्स को क्रिएट कराएंगे ठीक है रैंडम लोकेशन पे तो यहाँ पर मैं आ, क्या कहता हूँ क्या कहते हैं हम यहाँ पर एनिमीज़ के अंदर काम करते पुश करा लेते हैं एनिमीज़ एनिमीज़ डॉट पुश क्या पुश कराएंगे तो जैसे बात है जो भी हम न्यू एनिमी क्रिएट कराएंगे उसको हम यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं चाहे तो, तो तुम बाहर एक कांस्टेंट क्रिएट करके कर सकते हो जैसे मर्जी जाओ कर सकते हो तो मैं यहाँ पे ऐसे करा रहा हूँ एनिमी और इसके अंदर हमें बहुत सी चीज़ें नहीं है एक्स वाई रेडियस तो एक काम करता हूँ क्लियर थोड़ा क्लियर रहे इसके लिए मैं बाहर सब कुछ क्रिएट कर लेता हूँ ठीक है uh, सबसे पहले यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्टेंट uh, एक्स इसकी वैल्यू मैं देता हूँ हंड्रेड ठीक है देन मैं कांस्टेंट क्रिएट कर लेता हूँ वाई जिसकी वैल्यू भी मैं दे देता हूँ हंड्रेड अरे यार सेमीक्रोन लगाने की आदत नहीं जाएगी मेरी और फिर यहाँ पे हम देते हैं क्या रेडियस जो कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल थर्टी ठीक है थर्टी या फिफ्टी दे देते हैं थर्टी आई थिंक फोर्टी इज़ गुड ठीक है उसके बाद हम यहाँ पे देंगे क्या वेलोसिटी राइट right, नहीं कलर कलर देंगे तो मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ इसको आ, न, 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 ग्रीन कलर दे देते हैं ठीक है कलर हो गया ग्रीन उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ इसे वेलोसिटी वेलोसिटी ठीक है और वेलोसिटी में एक्स में दे देता हूँ वन फ़िलहाल के लिए हम इसे बदलेंगे जैसे बात है बट फिलहाल के लिए वन वाई में भी देता हूँ वन ठीक है कॉन्स्टेंट स्पीड हम दे देते हैं इसे नॉर्मल वन ठीक है स्लोली स्लोली हमारी तरफ बढ़े और इन सभी वैल्यूज़ को मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ एक्स वाई रेडियस ठीक है देन हमारा कलर हो गया देन हमारी वेलोसिटी हो गई देन हमारा स्पीड हो गया ठीक है मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे अभी कुछ नहीं हो रहा बट एक्चुअल में अगर तुम यहाँ पे एनिमीज़ को खोल को, के देखोगे एनिमीज एरे को खोल के देखोगे तो यहाँ पे अच्छा हमने ये कॉल नहीं करा स्पॉन फंक्शन को कॉल करा लेते हैं स्पॉन स्पॉन एनिमीज ठीक है स्पॉन एनीमीज़ को हमने यहाँ पर कॉल करा लिया मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ अब तुम्हें तो पता नहीं लग रहा होगा पर हर सेकंड में एक नया एनिमी क्रिएट हो रहा है और एनिमीज़ एरे के अंदर ऐड भी हो रहा है अगर मैं यहाँ पे एनिमीज़ को देख सकता हूँ नौ हो गया राइट अब मैं ग्यारह हो गया बारह हो गया तो बढ़ रहा है हर सेकेंड राइट एनिमीज़ देख सकते हैं यहाँ है। पर क्रिएट हो रहे हैं पर अभी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने ड्रॉ नहीं करा रहे तो मैंने ड्रॉ करा लेते हैं एनिमेट फंक्शन के अंदर जैसे हमने ये फोर इच बुलेट करवाया है ठीक है वैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं और एनिमीज़ डॉट फोर ईच कॉल कर लेते हैं ठीक है यहाँ इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन डालेंगे जिसके अंदर मैं यहाँ पे एनिमी पास कर देता हूँ और हम हर एनिमी के अपडेट फंक्शन को कॉल करा, करा लेंगे एनिमी हर एनिमी के अपडेट फंक्शन को कॉल करा लेंगे परफेक्ट अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखोगे यहाँ पे एनिमीज़ क्रिएट हो रहे हैं बट अभी देखोगे तो काफ़ी एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि जो वेलोसिटी है वो स्टैटिक है राइट हम इसे वन वन वैलोसिटी में मूव कर रहे हैं और वन वन ऐड होता जा रहा है दैट्स वाई ये बॉटम राइट साइड में जा रहे हैं और ये ऐसे जाते रहेंगे बट मैं चाहता हूँ कि ये चारों तरफ से किसी भी रैंडम लोकेशन से क्रिएट हो और हमारे प्लेयर की तरफ आए तो उसके लिए क्या करना है हमें तो हमने वही सेम एंगल और वेलोसिटी वाला सीन है तो ये जो हमने एडिमेंट लिखना के अंदर एंगल बनाया था देन वेलोसिटी डायनेमिकली जनरेट की थी इसी चीज़ को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी ठीक है कॉपी करने के बाद ऊपर आता है और जो वेलोसिटी हमने यहाँ लिखी है इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं ठीक है अब रिफ़्रेश करते हैं तो अब अब जाहिर सी बात है इससे ये इवेंट डॉट क्लाइंट वाई नहीं मिलेगा क्योंकि इवेंट डॉट क्लाइंट वाई यहाँ पर है ही नहीं जाहिर सी बात है पर इस चीज़ को हम फिक्स कर सकते हैं कैसे हमें इवेंट डॉट क्लाइंट वाई की जगह क्या देना है वाई और यहाँ पे इवेंट ऑट क्लाइंट एक्सते हैं ना एक्स जो भी सॉरी एक्स जो भी इसकी लोकेशन होगी इनिशियल लोकेशन होगी वो हमें देनी सी राइट ठीक है तो ना सेव कर लिया आप देख सकते हो बट अब ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है तो इस चीज़ को हम फिक्स करेंगे बट चलो ठीक है देखते हैं आ, हम यहाँ पे जाते हैं और एक्स और वाई जो है इसको हम चेंज करते हैं एक्स और वाई की जो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू होगी ये काम करते हैं इससे बेहतर तरीका हमारे पास हम इसको लेट एक्स इज इक्वल टू ये लेट एक्स रहने देते हैं इसको भी लेट वाई रहने देते हैं ठीक है अब इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे चलो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें इफ़ फंक्शन बनाता है और यहाँ पर लिखते हैं कि भाई मैथ डॉट रैंडम ठीक है एक नंबर जनरेट होगा जैसे हो जाता है मैथ डॉट रैंडम जो है वो हमें जीरो से वन के बीच का नंबर एक रिटर्न करता है जैसे जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट थ्री टू एक्स ये सब ठीक है अगर ये लेस देन होता है जीरो पॉइंट फाइव से तो हम ये चाहते हैं ठीक है एल्स हम ये चाहते हैं अब इसके अंदर क्या करेंगे हम तो इसके अंदर एक्चुअल हम रेडियस यूज़ करने वाले हैं तो जो रेडियस है मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से और ऊपर की तरफ हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं रेडियस भी हम चेंज करेंगे डायनेमिक तरीके से तो उसको भी हम देख लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो सबसे पहले अगर हमारा 0.5 से मैथ डॉट रैंडम कम रहता है तो हमें क्या करना है तो x की जो वैल्यूज़ है वो हम कुछ इस तरीके सेट करेंगे मैथ डॉट रैंडम ठीक है यहाँ पे मैं एक टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे भी हम चेक करेंगे अगर कर ज़ीरो से कम है तो क्या करना है तो हमें सिंपली ज़ीरो में से रेडियस को माइनस कर देना है जो भी रेडियस होगा ये x की वैल्यू होगी इनिशियल राइट ज़ीरो में से रेडियस को माइनस कर देना है. और अगर हमारा वैल्यू मतलब 0.5 से ज़्यादा रहता है तो क्या करना है तो हमें कैनवस डॉट हाइट कैनवस डॉट सॉरी कैनवस डॉट विथ एक्स है ना कैनवस डॉट विथ माइनस सॉरी प्लस रेडियस कर देना है ठीक है आई थिंक तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं हम नीचे पेस्ट कर देते हैं अब बट वाई के लिए काफ़ी अलग रहेगी ये चीज़ जब अगर जीरो पॉइंट फाइव से लेस देन होगी तो वाई के लिए काफ़ी अलग रहेंगी ये चीज़ें तो यहाँ से मैं इन सबको हटा लेता हूँ और सिंपल सा हम यहाँ पे टर्न रिपटे की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे तो मैं सिंपल से इसको हटा लेता हूँ मैथ डॉट रैंडम इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा कैनवस की हाइट से ठीक है कैनवस डॉट हाइट या रेडियस मैथ डॉट रैंडम जीरो पॉइंट फाइव अगर हाइट विथ ये है रेडियस हमारा प्लस ठीक है एल्स में भी हम कर देते हैं एल्स में बस इनकी वैल्यूज़ आप उसमें इंटरचेंज होंगी और लिखने का तरीका बस ज़्यादा कुछ नहीं जैसे एक्स की जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं वाई और इसकी जगह हम लिख देते हैं एक्स ठीक है और यहाँ पे विथ की जगह हम लिख देते हैं बस हाइट और यहाँ पे हाइट की जगह हम लिख देते हैं विथ ठीक है अब रिफ़्रेश करते हैं ते ड्रो नहीं हो रहा ऐसा क्यों ओके okay, तो ठीक है ठीक है तो हमने यहाँ पे इतना कर लिया अब ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग होगी ज़ाहिर सी बात है मैथमेटिकल पर्पज़ से देखो तो क्योंकि मैं इस वीडियो को अगेन शॉर्ट वन चाहता हूँ तो अब मैं मैथ्स नहीं एक्सप्लेन करने वाला लोगों को राइट right? तो यहाँ पे एक और छोटी चीज़ हम और चेंज करनी है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था राइट right? तुम्हें याद होगा तो हम पहले कैनवस ड्रोट हाइट को डिवाइड करेंगे देन वाई से माइनस करेंगे सेम यहाँ पर भी हम पहले इसको डिवाइड करेंगे देन हम इसको माइनस करेंगे एक्स से एंड रिफ्रेश कर देते हैं तो अभी अब, अब देखोगे यहाँ पे तो रैंडम लोकेशन से प्लेयर्स जो हैं वो मेरी तरफ आ रहे हैं ठीक है थीके? जो कि काफ़ी कूल है ओके okay, तो हमने ये तो कर लिया अब जो इनका साइज़ है वो देखोगे तो अभी सेम है राइट मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के क्रिएट हो तो वो हम कैसे करेंगे तो सिंपली हम रेडियस पे जाएंगे क्योंकि रेडियस को हम चेंज करेंगे तो इनके साइजेस भी चेंज रहेंगे यहाँ पे हम मैथ डॉट रैंडम को कॉल करा लेंगे अब हमें पता है कि मैथ डॉट रैंडम जो हमें वन से ले जीरो से लेके वन के बीच के नंबर्स को रिटर्न करता है तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते किसी भी नंबर से तो वो नंबर एक ही उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर डायनेमिक एक नंबर जनरेट करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी मेरा मैक्सिमम वैल्यू है उससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो उसके बीच में वन और उसके बीच का एक नंबर जनरेट करेगा फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थर्टी फाइव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे ये जीरो से लेकर थर्टी फाइव के बीच के अलग अलग रेडियसिस को क्रिएट करेगा और उस साइज़ का मेरे पास यहाँ पे पर अभी एक और चीज़ गलत होगी हमसे कि देखोगे तो ये बहुत छोटा है राइट और जाहिर सी बात है वन रेडियस का तो बॉल दिखेगा भी नहीं तो मैं चाहता हूँ कि ये एक मिनिमम और एक मैक्सिमम के बीच में जनरेट करे तो वो हम कैसे करते हैं तो मल्टीप्लाई करते वक्त ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है बस सिंपली तुम्हें क्या करना है जो भी तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू है यानी कुछ इस तरीके से मैक्सिमम माइनस मिनिमम ठीक है प्लस मिनिमम ये फार्मूला है रेंज uh, के बीच में जनरेट करने का तो मैक्सिमम जो वैल्यू मैं चाहता हूँ वो चाहता हूँ मैं थर्टी फाइव थर्टी थर्टी एट ठीक है थर्टी एट मिनिमम जो वैल्यू मैं चाहता हूँ वो चाहता हूँ फाइव कुछ इस तरीके से ठीक है तो ये हमारा रेडियस जनरेट करेगा फ़ाइव और थर्टी एट के बीच में ठीक है तो जो मिनिमम होगा वो फाइव होगा और जो मैक्सिमम होगा वो होगा 38. तो इस तरीके से हमने रेंडमली एनिमीज जनरेट कर लिए हैं फिलहाल ये कॉलिजन डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं ना ही मेरे ट्रिगर करने पे ख़त्म हो रहे हैं ना ही ये समझ रहे कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम ये चीज़ भी करेंगे और इसका जो कलर है उसको भी हम डायनेमिक कर सकते कैसे तो हम सिंपली यहाँ पर आएंगे और ये रहा कलर ठीक है तो कलर में हम यहाँ पर आर इस्तेमाल करेंगे आर में हमें पता है कि हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 255 तक होती है मैक्सिमम और मिनिमम जो होती हैं ज़ीरो तक होती हैं आर जी और बी तीनों के लिए ठीक है तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ एस्ट्रिक लगा लेता हूँ यहाँ सर इसके अंदर हम डायनेमिक वेरिएबल का यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम ठीक है मैथ डॉट रैंडम और मैथ डॉट रैंडम के अंदर हम क्या पास करेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए रही तो मैं काम करता हूँ ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ठीक है अब हमें यह पता है कि अगर मैं इसके अंदर ज़ीरो जीरो लिख दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ तो तुम्हें अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँ जीरो स्लैश जीरो स्लैश जीरो स्लैश सॉरी बस ठीक है इतना लिखूँ तो क्या होगा मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ अब देखोगे जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो सब ब्लैक हो गया राइट क्योंकि ये सब ब्लैक है और अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को पूरा कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल टू फिफ्टी फ़ाइव ठीक है रिफ्रेश करते हैं अब देखोगे तो अब कुछ नहीं दिख रहा है एक्चुअल में बन रहे हैं पर ये वाइट कलर है इसलिए नहीं दिख रहा तो मुझे इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पे डायनेमिक तरीके से देख सकते हो ये वाइट बॉल पास हो रही है तो देख सकते हो दिख रहा होगा तुम्हें राइट तो यहाँ पर मैं सिंपली मैथ या ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ ठीक है और जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी मैं चाहता हूँ वो हो 200 और मिनिमम वैल्यू हो जो हमारी वो हो पचास ठीक है इनके बीच के कलर्स जो होंगे वो जनरेट हो, हो, हो यहाँ पर मैं ही चाहता हूँ ताकि ना ज़्यादा ब्लैक हो ना ज़्यादा वाइट हो और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को और पेस्ट कर देते हैं फिर से पेस्ट कर देते हैं फिर से तो ये डायनेमिक कलर हमारा जनरेट हो जाएगा ठीक है कोड को ध्यान से देख लेना कंफ्यूज मत होना मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तब देखोगे ये पर्पल है देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कलर के यहाँ पे एनिमीज जनरेट हो गए जो कि मेरी तरफ़ बढ़ रहे हैं ठीक है मैं इनको अभी शूट कर रहा हूँ पर ये डिटेक्ट नहीं करेगा कॉलेजन क्योंकि अभी हमने कॉलेजन का कोई लॉजिक नहीं लिखा है तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ की है राइट तो मैं और ना कन्फ्यूज़ करते हुए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आई होप तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिली होंगी इस वीडियो में और या आई थिंक इट्स इनफ आर दिस कोई भी तुम्हें अगर डाउट है तो नीचे तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में तब तक लिए बाय एंड तब तक ले कीप प्लानिंग कीप कोडिंग और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है राइट आई होप तुम उतना ही इंजॉय करो जितना मैं इंजॉय करूँगा और अगर तुम मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में तब तक ले बाय